मुजफ्फरनगर जिले के कांटी प्रखंड के सातवें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार दिन कांटी प्रखंड नरेगा भवन बीआरसी किसान भवन के परिसर में नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। जानकारी देते हुए आर ओ सह बीडीओ विजय ठाकुर ने बताया कि दूसरे दिन मुखिया पद पर 38 के सरपंच पद के लिए 33, समिति सदस्य के लिए 76, वार्ड सदस्य के लिए 418, सरपंच के लिए 193 सदस्य के अभ्यर्थियों ने 193 सदस्य के लिए अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल किया है। ड्रॉप गेट पर दंडाधिकारी व पुलिस बल SI जफर खान तैनात किए गए हैं, जहां से केवल उम्मीदवार व प्रस्तावक ही प्रवेश कर रहे हैं। नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों को कोई कठिनाई व समस्या न हो, उसके लिए पदवार हेल्प डेस्क बनाया गया है। बकटपुर पंचायत ललन श्यामा झिटकाही मधुबन नजमा परवान प्रति मोहम्मद मैनुद्दीन शेरकाही संगीता कुमारी मनिकपुर नवरत्न नीरज कुमार मुखिया प्रत्याशी सरपंच पद प्रिंस कुमार आदि सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया। वीडियो विजय कुमार ठाकुर ने CCTV कैमरा के माध्यम से सभी पर निगरानी रखी। मानिकपुरोत्तम पंचायत से नामांकन लिए हैं। हमारे पंचायत से सरपंच पद पे आज हम पहला नामांकन हमारा हुआ और बहुत सारे हमारे समर्थक हमारे साथ नामांकन में आए थे और सभी लोग का हमसे बहुत उम्मीद है और हम उस उम्मीद पे खड़ा हुए हैं। चले पर्चा देते हैं। केशव कुमार मानिकपुरोत्तम पंचायत सरपंच प्रत्याशी। कौन सा पंचायत? झिटकाही मधुबन। चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या था? चुनाव लड़ने का उद्देश्य सेवा जनता का। जनता का प्यार कितना मिल रहा है आपको? बहुत प्यार मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव का हवा है, 80% से लेकर 90% बदलाव है। कौन कौन से मुद्दा को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है, दलाली है, जल नल पूरा फेल है, शौचालय में दलाली है, ये सब मुद्दा है हमारा। इसको खत्म करना है, दलाल को खत्म करना है, बिचौलिए को खत्म करना है। ठीक है, परिचय दीजिए। मोहम्मद मैनुद्दीन मधुबन पंचायत प्रत्याशी नजमा खातून उनके हम पति हैं। कौन सा पंचायत? लस्करीपुर। क्या लग रहा है इस बार आपका जनता का? मेरे प्रति रुझान है, मैं विकास का काम किया हूँ, से लेकर के पंचायत स्तर तक काम किया हूँ। इस बार जो आप चुनाव जो लड़िएगा, कौन सा मुद्दा लेके चुनाव मैदान में? मुद्दा है मेरा। पंचायत कौन हुआ? लस्करीपुर। परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम राजकुमार पंडित हुआ, लस्करीपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आज नामांकन किया हूँ। पंचायत क्या कहना चाह रहे हैं पंचायत वासियों को? स्वागत करना चाहता हूँ इसमें आने के लिए। पंचायत समिति का नामांकन इसमें आने के लिए तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। पूरा यही बोलिए, परिचय दीजिए। सुबोध कुमार ग्राम पंचायत राज पकड़पुर से मुखिया प्रत्याशी हूँ। आज नामांकन मैंने दिया हूँ एक पद के लिए। और क्या कहना चाह रहे हैं पंचायत वासियों को? देखिए, हम लोग सबसे पहले थे इलेक्शन के और चुनाव के सिलसिला में पढ़ना चाहते नहीं थे पहले से, लेकिन कुछ पूर्व मुखिया लोग जो है पहले से इतना भेदभाव सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया है, जिसके लिए हम लोग खुद अपने हक लेने के लिए खुद उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। 20 सालों से हमने अपने पंचायत में वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसे वाले को आवास मिलते हैं, पैसे वाले को हथकंडे चढ़ जाते हैं। मुखिया जिसको भी चुना उसने कभी भी अभी भी हमारे पंचायत में पकड़पुर पंचायत में 60% घर अभी भी चाटिंग बना हुआ है, जिसके लिए मुखिया का नज़र नहीं है। सब पैसे वाले को हथकंडे चढ़ जाते हैं, हमारे गरीब भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार होता है। बोझ पर 200-400 रुपया पर खरीद लेते हैं। हमारा इतना गरीब कमज़ोर है कि 200-400 रुपया पर बिक्री हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप अपना शक्ति दिखा दीजिए कि आपका इस पंचायत में और आपका भारत में कितना आपका अधिकार है। आज कुछ पैसे पर पंचायत बेच रहे हैं, यही हटकंडे की किसी दिन आपका देश खरीद लेंगे, आपको गुलाम बना लेंगे, इससे बचे मेरा कहना है। चलिए पूरा परिचय दे दीजिए। मैं ललन ठाकुर ग्राम बकटपुर थाना काटी जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने। आज कौन सा पद के लिए नामांकन किए हैं? पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 पंचायत थानापुर हवेली। वर्तमान में आप थे। क्या लग रहा है इस बार पंचायत चुनाव का? पंचायत में अच्छा विकास हो रहा है और भारी मतों से लोग का सहयोग और विजयी हो रहा है। जनता को आप देख रहे हैं कितना जन समर्थन। और क्या कहना चाह रहे हैं पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों को समर्थन देने के लिए सा धन्यवाद, जो फिर हमको दोबारा चुनने का मौका। पूरा परिचय दीजिए। अजीत कुमार उर्फ मुन्ना साजी। मैं नीरज कुमार मुखिया पद के लिए मानिकपुरोत्तम पंचायत क्षेत्र संख्या 13 से अपना नामांकन दिया हूँ। जनता
जनता का भारी समर्थन और सहयोग मेरे साथ है। पूर्व की जितनी भी सरकारें गई हैं हमारी और एट प्रेजेंट जो वर्तमान में थी उसमें भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलाली अति उच्चतम स्तर पर था और उसी को मिटाने के लिए जनता का यह अपार समर्थन, बुजुर्गों का प्यार और नौजवानों का सहयोग हमारे साथ है। और मैं अपने तरफ से अपनी समस्त मणिपुर नरोत्तम जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनका सपना साकार होगा, मणिपुर नरोत्तम पंचायत आदर्श पंचायत बनेगी। चुनाव जीतने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद एजेंडा जो है मणिपुर पंचायत से जो भी हमारे वंचित भाई बंधु रह गए हैं, सबसे पहले इंदिरा आवास उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि इस बार बरसात का मौसम बहुत ही बुरा स्थिति लाया है, चाहे वो घर हो या नाला। रोड से जो भी घर पिछड़ा पड़ा है, जिनके पास रोड नहीं है, उनको मेन रोड से मिलाना, नल जल निकासी के लिए नाले की व्यवस्था करना, पंच हर पर अपने वार्ड वाइज वार्ड हम कोशिश करेंगे, वार्ड ना हो लेकिन एक गांव वाइज गांव एक पुस्तकालय का निर्माण करना, मैदान में बच्चों के लिए खेल ग्राउंड का विकास करना, ये मूल मोटी है। जो सबसे परिचय दे दीजिए। मैं नीरज कुमार, मणिपुर नरोत्तम पंचायत मुखिया प्रत्याशी, वार्ड नंबर 5। जनता जो 5 साल भी उसके लिए किए हैं उसके एवज में इस साल फिर हम लोग जीत कर आ रहे हैं और 5 से 7 से वोट से जीत कर आए। क्या लगता है इस बार 100% 5 से 7 से वोट से अधिक वोट से जीत के आए? ठीक है, परिचय दे दीजिए। पिछले बार रामकिशोर भगत कामतपुर पंचायत, पंचायत समिति संख्या 26। पंचायत वासियों को विश्वास दिला रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे, पहले से भी अच्छा काम किए। वर्तमान में रह चुके हैं जी, कितना भी जनता का प्यार मिल रहा है? ठीक है, परिचय बताइए। शीला देव सदस्य क्षेत्र संख्या 21 से हमने नामिनेशन दिया है धमोली जनपद पश्चिमी का, और हमारा एक ही सोच है, लक्ष्य है कि समाज को एक अच्छा विकास मिले और एक अच्छा कैंडिडेट मिले। इसके लिए हमने अपना कोशिश जारी किया है और इसके आगे जो भी हमारे मतदातागण हैं उन सभी का आशीर्वाद चाहिए और सभी का मुझे महमूल वोट मिलेगा और मैं चाहूँगा कि वोट देकर हमें विजयी कराए और समाज में एक अच्छा कार्य करे। इसके लिए मेरा भी छवि अच्छा बरकरार है और समाज को भी। मोहम्मद नौशाद, समाज समिति प्रत्याशी पति मोहम्मद नौशाद। कौन सा पंचायत? क्रमणी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं पंचायत वासियों? संदेश देना चाहते हैं जब अपने ग्रामवासी लोगों को अपने तरफ से बहुत ही बधाई, क्या बोलते हैं, शुभकामना अपने गरीब जनता लोगों को देना चाहता हूँ। इन लोगों की अगर दुआ रहा तो हम अपने आगे चल के अपने पंचायत को काफ़ी विकास की तरफ ले चलेंगे, बस यही कहना है। हमारा पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कुमोद पांडे, ऐसा हाँ। R9 भारत के लिए परवीज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर।